नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो एकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन जो है इस पे आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि NGT क्या है। तो NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, ये एक स्पेशलाइज बॉडी बनाई गई है NGT एक्ट 2010 के अंदर। इसका जो मेन उद्देश्य, मेन मोटिव है, वो है कि आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन्वायरमेंट हुआ, फॉरेस्ट हुआ और जितने भी अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हैं, उनको ये बॉडी जो है NGT जो है सोल्व करने में मदद करती है। भारत यानी कि इंडिया तीसरा ऐसा देश है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद में जिसने ये आपका स्पेशल एक बॉडी बनाई है इन्वायरमेंट के जितने भी डिस्प्यूट हैं उनको सोल्व करने के लिए। और पहला ऐसा ये डेवलपिंग कंट्री है जिसके पास में ऐसे कोई स्पेशल कोर्ट है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दों पे बात करता है। जब भी कोई केस NGT के पास में आता है तो केस फाइल होने के 6 महीने के अंदर अंदर ये अपना फैसला डिसीजन जो है दे देता है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में जहाँ पे करोड़ों ऐसे केस पेंडिंग हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में, वहीं पे ये कोर्ट जो है 6 महीने के अंदर अंदर अपना फैसला डिसीजन जो है दे देता है। NGT के 5 जो हैं सेंटर हैं, या ये कहिए कि 5 कोर्ट हैं। इसका जो प्रिंसिपल कोर्ट है वो न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, इन जगह पे भी NGT के कोर्ट जो है बनाए गए हैं। तो ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मेन कोर्ट कहाँ है NGT का और इसके अलावा कितने उसके कोर्ट हैं। तो बच्चे, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें हम कि ऑब्जेक्टिव क्या है NGT के, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया, NGT का जो मुख्य उद्देश्य है वो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हैं उनको सोल्व करना। इसके अलावा कई बार क्या हो जाता है कि इंडस्ट्रीज जो हैं या आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो हैं वो डैमेज कोज करते हैं किसी भी इंसान की हेल्थ को लेके या प्रॉपर्टी को लेके। तो NGT जो है ये उसको रिलीफ दिलाने में, कंपनसेशन दिलाने में भी मदद करता है। तो इसके अलावा कई बार क्या हो जाता है कि ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, ऐसे केस आ जाते हैं जिनमें बहुत सारे डिसिप्लिन जो हैं वो काम करते हैं और उस टाइम पे इन्वायरमेंट जो एक मुख्य डिसिप्लिन है वो हम ध्यान में रखते हुए काम करें या उसको इन्वायरमेंट को हम ध्यान में रखते हुए अपने प्रोजेक्ट को बनाएं, तो वहां पे बहुत बड़ा डिस्प्यूट आ जाता है कि भाई हम प्रोजेक्ट की नीड को देखें या इन्वायरमेंट को देखें, ये किस तरीके से उनमें समन्वय हम बैलेंस बनाएं। वो सारे जो मुद्दे हैं, वो सारे जो डिस्प्यूट हैं वो भी NGT ही हैंडल करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका आजकल डेवलपमेंटल एक्टिविटी एंड इंडस्ट्रीज को लेके। अगर हम NGT की स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली इसमें एक चेयर पर्सन होता है और कुछ मेंबर होते हैं जो एक्सपर्ट मेंबर हैं, और ये सभी जो हैं 5 साल के लिए अपना ऑफिस जो है होल्ड करते हैं, यानी कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो 5 साल के लिए की जाती है। और एक बार जब इनका टर्म पूरा हो जाता है तो ये दोबारा से रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकते। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चे ये भी। और जो चेयर पर्सन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पे, ठीक है ना।
चीफ जस्टिस जो होते हैं इंडिया के, उनकी सलाह पे उनसे कंसल्टेशन ली जाती है, और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरपर्सन को अपॉइंट करती है। इसके बाद में एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और वो डिफरेंट डिफरेंट अपने जितने भी जुडिशियरी मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर हैं उनको अपॉइंटमेंट करते हैं। मिनिमम 10 मेंबर हैं और मैक्सिमम जो हैं आपके 20 मेंबर तक हो सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है बच्चे, और लीस्ट नंबर जो है वो है 10। अगर हम बात करते हैं एनजीटी की इम्पोर्टेंस की, तो आप यहीं से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि एक देश में इन्वायरमेंट के लिए अलग से कोर्ट होना बहुत बड़ी बात है। तो इंडिया जो है एक ऐसा देश है जो कुछ चुनिंदा देशों में जिसके पास में स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल कोर्ट सिस्टम है। इसके अलावा यहाँ पे इन्वायरमेंट को जो हार्म पहुंचाने वाले एक्टिविटी हैं, या आपकी ये कहिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटी हैं, उन पे नजर रखने के लिए हमारे पास में क्या है कि भैया एक टीम है, एक कोर्ट है, जो एक्सपर्ट लोगों की टीम है वो ये नजर रखती है कि कोई भी डेवलपमेंट जो है वो इन्वायरमेंट की अनदेखी ना करे। और इसके अलावा बहुत सारी आजकल आपको पता ही है कि ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या गवर्नमेंट ऑफिस भी हैं जो इन्वायरमेंट को अनदेखा कर देते हैं। इंडस्ट्री तो एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखती है, तो उनके ऊपर भी एक कोर्ट है, उनको इस चीज का डर रहता है। जैसे कोई भी स्टेट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पोल्यूशन कमेटी या इस टाइप की कमेटी है, उनके दिल दिमाग में एक डर रहता है कि अगर वो कुछ गलत करते हैं तो एनजीटी के पास में जो है ये केस जाएगा, और उनके अगर गलती निकल जाती है तो उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा जो है आपके जितने भी इन्वायरमेंट के पहले केस जो थे वो डायरेक्ट आपके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, तो उन केसों को जितने भी मतलब ऐसे केसेस थे वो केस एक सामान्य केस की तरह लंबे टाइम तक उनकी लड़ाई चलती थी, लंबे टाइम तक उनकी हियरिंग होती थी। तो अब क्या है, एनजीटी बना है, एनजीटी ने तो विद इन 6 मंथ अपना फैसला दे देना होता है, जिससे कि जो आपके फैसले हैं वो जल्दी आ रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। और जो हमारा आर्टिकल 21, 47 और आपका 51A G है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोविजन बनाए गए थे आर्टिकल्स में ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे, और इनको अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो एनजीटी इसमें एक अहम रोल जो है प्ले कर रहा है। और इसके अलावा जो आपके हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैं जिनके पास में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं, उनका बर्डन भी एनजीटी कम करता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दे हैं वो डायरेक्ट जो है एनजीटी पहुंच जाते हैं, तो वो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जाते, तो उनका जो लोड है, जो वर्क लोड है वो भी कम हो जाता है। एनजीटी के पास में जब कोई फैसला कोई केस जाता है और एनजीटी को ये लगता है, ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री जो है ये आपके कि गलती में है, ठीक है, जो से जिस तरीके से करना चाहिए था कंप्लाइंस जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो एनजीटी आपको सजा और फाइन लगा सकती है, ठीक है। इसमें आपको 3 साल तक जो है सजा मिल सकती है, और इसके अलावा फाइन भी आप पे लगाया जा सकता है जो कि 10 करोड़ तक पहुंच सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको फाइन और सजा दोनों चीज हो जाएं, फाइन और आपको इम्प्रिजनमेंट दोनों की दोनों भी आपको लग सकते हैं अगर आपकी गलती ऐसी निकल जाती है कि जो आपके एनवायरनमेंट को या लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। तो अगर आपको किसी को ये लगता है कि एनजीटी ने जो फैसला दिया है वो सही नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे और वो भी एनजीटी के फैसले के 90 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में ही उसका फैसला होगा अगर आप एनजीटी के खिलाफ अपील करना चाहते हो। तो ये जो एनजीटी है ये बहुत सारे लॉज के अंदर काम करती है, जैसे कि वाटर एक्ट 74 के अंदर, ठीक है बच्चे,
वाटर सेस एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, एयर एक्ट, इन्वायरमेंटल एक्ट, ठीक है, पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट। तो इन 7 एक्ट के अंदर जो है एनजीटी अपना काम करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इनको आप जो है अच्छे से याद कर लें। बहुत सारे जजमेंट दिए हैं एनजीटी ने, जैसे कि हमारा जो गंगा के पास का जो एरिया है वहाँ पे कैंपेनिंग की जाती थी इलीगल, जिससे कि जो गंगा का वाटर की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही थी। इसीलिए इन्होंने ये कहा है एनजीटी ने कि गंगा के जो बीचेज हैं उसके 100 मीटर के दायरे में आप जो हैं कैंपेनिंग नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़े आपके फैसले हैं, छोटे छोटे ऐसे हमें लगते हैं कि भाई इससे क्या फर्क पड़ेगा, बट एक पर्टिकुलर जजमेंट जो दिया जाता है वो बहुत सोच समझ के दिया जाता है। इन्होंने कहा कि भैया आप जो है रिवर में आपका लीन सीजन में शिवपुरी टू ऋषिकेश जो है, जो एक हब है इको टूरिज्म और रिवर राफ्टिंग का, वहाँ पे आप कैंपेनिंग जो है वो नहीं कर सकते विदिन द 100 मीटर। इस तरीके के बहुत सारे आपके फैसले एनजीटी ने दिए हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री जो है वो नॉर्म्स जो है फॉलो नहीं कर रही है और उसमें जो है आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या ऐसी एजेंसी भी इन्वॉल्व है तो उसके अगेंस्ट जो है अपील की जा सकती है। तो बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। बच्चे जितनी चीजें मैंने इसमें बताई हैं आप सभी लोग इसको अच्छे से याद कर लें। अगर कोई डाउट है आपको मेरे इस लेक्चर पे या हमारे किसी भी लेक्चर पे तो आप हमें पूछ सकते हैं। अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। जियो बच्चों।